आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस मुंबई स्टाइल कांदा पोहा। पोहा तो हर घर में बनता है, इसलिए हम बनाएंगे बिल्कुल खिला खिला टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल मुंबई के कांदे पोहे। साथ में मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जैसे कि पोहा एकदम नरम खिला खिला और टेस्टी बनकर तैयार होगा। मैं हूँ रश्मि और कुक योर फूड में आपका स्वागत है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1.25 कप पोहा लिया है। इसे चिवड़ा या फिर फ्लैटन राइस भी कहते हैं। तो पहली टिप ये है कि इसे सेलेक्ट करते समय हमें मोटा या फिर मीडियम थिक पोहा लेना है। ज़्यादा पतला लेंगे तो वो चिपचिपा सा हो जाता है। उसके बाद हमें इसे वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए इस तरह से एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसमें डाल देंगे पोहे को। तो ये इसमें डाल दिया है, हमें इसे वॉश करना है, भिगोना नहीं है। तो ऊपर से इस तरह से पानी डाल देंगे और पोहे को जितना पानी चाहिए होगा वो उसे सोख लेगा। इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे और इसी तरह से एक दो बार पानी डालकर इसको वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसमें अगर कोई गंदगी हो तो निकल जाए। तो पोहे को हमने वॉश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस। इस समय ये तीनों डालने से पोहे में एक बैलेंस्ड फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और इसे डालने के बाद एक फोक की हेल्प से इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। बस हल्का सा इसको मिलाना है और इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद एक पैन में गरम कर लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें डाल देंगे 1/4 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स। महाराष्ट्र में इसे सिंगदाना कहते हैं। इसे हमें रोस्ट करना है, तो इस तरह से चलाते हुए इसको बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। तो मूंगफली अब रोस्ट हो गई है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और पैन में जो तेल बचा है इसी में डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ आलू। आलू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे डालेंगे तो स्वाद बढ़िया आता है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आलू को हमें छोटे पीसेस में काटना है, जिससे कि इसको पकने में ज़्यादा वक्त ना लगे। और आप चाहें तो इसमें बॉयल आलू भी काट करके यूज़ कर सकते हैं। आलू को अच्छे से पका लेंगे और जब ये प्रॉपरली कुक हो जाए तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये आलू और मूंगफली को हमने भून लिया है, इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, फिर इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। दोनों को क्रैकल होने देंगे, फिर इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग, फिर इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च को इस तरह से काट के इसमें डाला है। उसके बाद इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, तो प्याज भी इसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर प्याज का फ्लेवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कांदा का मतलब ही होता है प्याज। तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए, क्योंकि प्याज जो है पोहे को जूसी करता है, तो हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि हल्दी भुन जाए, कच्ची ना रहे, तो इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए धनिया के पत्ते। शुरू में इसे डाल देने से इसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसे भी मिक्स कर लिया है। यहाँ पर फ्लेम को लो रखेंगे और फिर इसमें डाल देंगे भुनी हुई मूँगफली का पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप एक बार इसे डाल कर देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाला है। मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे पे और उसको फिर पीस लिया था। इसे मिला लेंगे। मूंगफली ऑलरेडी भुनी हुई है, तो इसको हमें पकाना नहीं है। और इधर जो पोहा हमने धो करके रखा था, ये अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। इसके दाने बिल्कुल अलग अलग हैं। इसे अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है और पोहे को इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भुनी हुई मूँगफली और आलू। फिर इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, तो आप उसी प्रोपोर्शन में डालें। उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। उसके बाद इसके ऊपर जाएगा कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। पोहे को हमें बिल्कुल जेंटली मिक्स करना है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है तो टूट सकता है, तो हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते, ग्रेट किया हुआ फ्रेश नारियल। इस तरह से ऊपर से स्प्रेड कर देंगे और इसे कवर करके 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे।
तो ये बिल्कुल क्विक, हेल्दी और टेस्टी कांदा पोहा बनके तैयार है। एक एक दाना इसका बिल्कुल खिला खिला और एकदम सॉफ्ट है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट में इस तरह से इसको निकाल लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल। तो रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगे ये हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुक योर फूड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।